going to teach you alphabets. Alphabets in English, August course, I to L. Now let's start. I कैसे लिखना है? I कैसे लिखना है children? I को three line में लिखना है. One, two and three. आप लोगों को three line count कर लेना है and up to down. अप टू डाउन लिख करके यहाँ से डैश कर देना है दोनों ऊपर एंड नीचे से. अप टू डाउन थ्री लाइन में एंड डैश आई, ये आपका आई हो जाएगा. देन आई फॉर क्या होता है? आई फॉर वर्ड्स होते हैं. आई से बहुत से वर्ड्स बनते हैं ना, तो हमको कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं, जैसे फोर वर्ड्स. इगुआना, इगुआना मीन्स एक तरह का रेप्टाइल होता है, मतलब जैसे छिपकली वगैरह होती है उसको हम लोग इगुआना बोलते हैं. एंड इग्लू, इग्लू एक बर्फ का घर बना होता है, ठंडा ठंडा घर होता है बर्फ का बना हुआ. इंक पॉट, इंक पॉट मीन्स होता है दवात. एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम तो सभी बच्चों को पता होगी कि आइसक्रीम क्या होती है. देन एक आपके बुक में एक पोयम है नीचे में छोटी सी, वो पढ़ के सुनाती हूँ. कोल्ड कोल्ड स्नो ऑल अराउंड, वार्म इज माई इग्लू राउंड एंड राउंड. इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है कोल्ड कोल्ड स्नो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ सिर्फ बर्फ बर्फ है. वार्म इज माई इग्लू, और वो जो इग्लू जो होता है वो गरम गरम है. इग्लू घर बना रहता है उनका, जहाँ वो लोग रहते हैं वो इग्लू गरम गरम होता है, और राउंड राउंड होता है, एकदम राउंड सा बना होता है. आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, आप लोग सब देख लेना. देन नेक्स्ट है, आई के बाद क्या होता है बेटा अल्फाबेट्स में? जे. तो जे कैसे लिखेंगे? जे भी कुछ आई के जैसा ही मिलता है, थ्री लाइंस में लिखना है. वन टू एंड थ्री, अप एंड डाउन एंड राउंड, इसको थोड़ा सा राउंड करना है जे, एंड ऊपर से डैश कर देना है, ये बन जाएगा आपका जे. अप एंड डाउन एंड फिर हाफ राउंड एंड ऊपर से डैश करना है, ये आपका बन जाएगा कैपिटल जे. एंड जे फॉर बी वर्ड्स होते हैं, फोर वर्ड्स. जे फॉर फोर वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट वर्ड है जैगुआर, जोकर, जग एंड जैकेट. तो जैगुआर एक एनिमल होता है, चीते की तरह होता है, और जोकर का आप लोगों को पता ही है कि जोकर क्या होता है. जग भी पता है, जग जिसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं, पीते हैं पानी. एंड जैकेट, जैकेट भी आप लोग पहनते हो, वो जैकेट होता है. फिर जे फॉर एक छोटी सी पोएम है आपके बुक में, वो पढ़ के सुनाती हूँ. जॉली जॉली जोकर, फनी इज योर ड्रेस, यू मेक अस लाफ, यस यस यस. इसका मतलब होता है जॉली जॉली जोकर, जोकर जो है वो बहुत हंसने वाला होता है, बहुत हंसमुख होता है. फनी इज योर ड्रेस, उसका ड्रेस भी बहुत फनी होता है, बहुत मजाकिया टाइप का ड्रेस पहनता है वो लोग. यू मेक अस लाफ, वो हमें क्या करता है? हंसाता है. तो यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, वो हमें बहुत हंसाता है. एंड नेक्स्ट आप लोग को हम लिखना सिखाएंगे के. के के कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को थ्री लाइन में स्ट्रेट लाइन करनी है, वन टू थ्री, एंड फिर थ्री लाइन के मिडिल में से डॉट करके आपको फिर ये ऊपर ले जाना है, अप ले जाना है, एंड वन लाइन को नीचे डाउन लाना है, ये आपका बन जाएगा के. स्ट्रेट लाइन करनी है वन टू थ्री लाइन में, एंड मिडिल में से एक लाइन ऊपर अप ले जानी है, एंड वन लाइन नीचे डाउन लानी है, तो ये बन जाएगा के. एंड के भी फोर वर्ड्स होते हैं, ये आप लोग को बताना है. किंग फिशर, किंग फिशर एक तरह का बर्ड होता है. काइट, के आई टी ई काइट, काइट मीन्स पतंग. के ई वाई की मीन्स चाबी. एंड कंगारू, के ए एन जी ए आर डबल ओ कंगारू, ये एक एनिमल होता है, फॉरेस्ट में रहता है. और इसके इसकी भी एक राइम्स है के वाले में, आपके बुक में लिखी है. रेड रेड काइट, कैसी काइट है? लाल लाल पतंग. फ्लाइंग सो हाई, वो बहुत ऊंची उड़ रही है. कैसे उड़ रही है? बहुत ऊंची ऊंची उड़ रही है. Can I come with you and search and reach the sky? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ वहां तक, अब तुम्हारे ऊपर तक आ सकती हूँ मैं, reach the sky और पहुंच सकती हूँ उसके तक, पहुंच सकती हूँ ऊपर तक. तो इसके वाली
राइम्स को भी आप लोग लर्न करना है। सो चिल्ड्रन, आप लोगों को ये लर्न नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक। एंड नेक्स्ट है एल। एल कैसे लिखना है? नाउ थ्री लाइन में अप एंड डाउन, एक स्ट्रेट लाइन करनी है अप एंड डाउन, उसके बाद थर्ड लाइन में आपको एक डैश करना है, तो ये एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल बन जाएगा। अप एंड डाउन एक लाइन स्ट्रेट लाइन करनी है थ्री लाइन में, एंड फिर एक डैश बना देना है, तो ये क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में एल लिख लेना है। देन इसके भी फोर वर्ड्स हैं एल के, लेडी बर्ड, लायन, लीफ एंड लॉक। लेडी बर्ड, एल ए डी वाई, लेडी बी आई आर डी, बर्ड, ये एक तरह का बर्ड होता है, लेडी इंसेक्ट होता है, सॉरी इंसेक्ट होता है लेडी बर्ड। एंड लायन, लायन मतलब शेर। लीफ, लीफ एक पत्ता, लीफ मतलब पत्ता। एंड लॉक, एल ओ सी के, लॉक मतलब ताला। सो चिल्ड्रन, इसमें भी आपका एक पोएम है, वो बताते हैं। आई एम ए लायन, मैं एक शेर हूँ। ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ताकतवर और आई नेवर ट्रम्बल, मतलब मैं लुढ़कता नहीं हूँ। किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। सो चिल्ड्रन, आप लोगों को समझ में आ गया आई जे के एंड एल आप लोगों को कैसे फोर लाइन में लिखना है, आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को थ्री लाइन में लिखना सिखाया है, इसी तरह से लिख लेना है। एंड अपनी बुक को खोल करके एक बार आपने ये पढ़ भी लेना है और समझ लेना है, देखना है, इंजॉय करना है। उसमें फिगर्स को देख देख करके अच्छा लगता है ना, फिगर्स देखना कि इगुआना मतलब क्या होता है, इग्लू मतलब क्या होता है, उसमें सब चीज का फिगर बना हुआ है बुक में, और इंजॉय करना है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।